हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T2X 5G फ़ोन है, तो वीवो T2X 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स है, देख सकते हैं आप। तो स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में स्टेटस बार आइकन्स को कैसे शो कर सकते हैं वीवो T2X 5G फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं एंड आप शो कैसे कर सकते हैं स्टेटस बार आइकन्स को वीवो फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं एंड आप कैसे अपने फ़ोन में स्टेटस बार आइकन्स को शो कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार सर्च करती स्टेटस बार सेटिंग्स आ जाएगी, जिस पे जाकर स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं और आइकन्स को हाइड एंड शो कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस आइकन्स पे जाते हैं तो इस पे जाकर नॉन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आइकन्स स्टेटस बार से हाइड हो जाएंगे, जो शो नहीं करेंगे। एंड आप इनको नंबर्स में भी शो कर सकते हैं, वन नंबर आ गया। इस तरीके से आप आइकन्स पे करते हैं तो आइकन्स बैटरी आइकन्स आपके स्टेटस बार पे शो हो जाता है। तो इस तरीके से स्टेटस बार आइकन्स वगैरह को शो कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो नेटवर्क स्पीड भी शो कर सकते हैं, नेटवर्क स्पीड शो हो जाएगी, जिससे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को आप चेक कर सकते हैं। एंड आप ऑफ कर देंगे तो शो नहीं करेगी, और बैटरी परसेंटेज हाइड कर देंगे तो हाइड हो जाएगी, शो नहीं करेगी। ऑन करते हैं तो बैटरी परसेंटेज भी आपके फ़ोन में शो हो जाती है, जिसको आसानी से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं वीवो T2X 5G फ़ोन में। तो भी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।